वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिलॉजिज्म, ठीक है, जिसे हिंदी में न्याय निगमन या न्याय वाक्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हम सिलॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर होता है। अगर मैं बैंक के एग्ज़ाम की बात करूं तो पीओ और क्लर्क दोनों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्री में अगर ये पूछा जाएगा तो 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और मेंस में पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर होता है। हम एक एक करके सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। 6 से 7 पार्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सिलॉजिज्म में 4 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सम, नो, ऑल और सम नॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है सभी, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके डायग्राम बनाए जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा रहेगा, कंक्लूजन लिखा रहेगा। इसमें मैंने आपको बोल दिया, मान लो सम ए आर बी, तो सम का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, ठीक है। मैंने बोला सम ए आर बी मतलब कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है। सम का डायग्राम बनेगा ऐसे। मैंने बोल दिया अब नो का बनाना है, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए क्या है, बी नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया कोई भी ए क्या है, बी नहीं है, मतलब नो ए आर बी मतलब कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। अब बोल दिया मैंने ऑल ए आर बी मतलब ऐसे बनाएंगे हम इसका डायग्राम, मतलब सभी ए क्या है, बी है, ठीक। सम का डायग्राम ये रहा, नो का ये रहा, ऑल का ये रहा। हम हमेशा ऐसे ही डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों बनाते हैं मैं ये आप लोग को अभी बताऊंगी, ठीक है। और जब भी सम नॉट रहेगा तो हम कैसा बनाएंगे, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बनेगा, सम ए आर नॉट बी मतलब ऐसा, ठीक है। इसका डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, तो सम का डायग्राम ऐसे बनेगा, नो का ऐसे बनेगा, ऑल का ऐसा बनेगा और सम नॉट का ऐसा बनेगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सम की तरफ। सम ए आर बी मतलब कुछ ए क्या है, बी है। अब कुछ ए क्या है, बी है, यहाँ से पता चल रहा है इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है। जब मैं बोल रही हूँ कि कुछ ए बी है मतलब कुछ बी भी ए होगा, मतलब सम में क्या रहता है, दोनों टाइप से, दोनों तरफ से क्या रहता है, रिलेशन रहता है, ठीक है। सम ए आर बी मतलब सम बी आर ए होगा क्या, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा जब बी के पास है तो बी का कुछ हिस्सा क्या होगा, ए के पास है। हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी भी तो ए हो रहा है ना, दोनों आपस में मिले हुए हैं। मतलब मान लो ये क्या है, ज़मीन है किसी की, ठीक है। इसमें आधी ज़मीन ए की है, आधी ज़मीन बी की है, ठीक है। तो ये दोनों की मिला के ज़मीन हो गई, ऐसा समझ लो, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा। दोनों तरफ से रिलेशन आएगा। अगर मैं बात करूँ नो की, कुछ ए क्या है, बी नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया कुछ ए क्या है, बी नहीं, मतलब इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका भी इसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। नो में भी, सम में तो दोनों तरफ से होता है, नो में भी दोनों तरफ से रिश्ता होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। दोनों तरफ से रिश्ता हुआ। मैंने बोल दिया कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी बी ए भी नहीं होगा। जब ए बी से कोई लेना देना नहीं रखता, तो बी भी ए से क्या रखेगा, कोई लेना देना नहीं रखेगा, ठीक है। इसका भी दोनों तरफ से होगा। फिर मैंने बोला ऑल, ऑल ए आर बी मतलब बोल दिया अब मैंने कि ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। मैंने बोला पूरा ए क्या है, बी है, तो पूरा बी ए होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बोला मान लो ये आपका घर है, ठीक है। ये क्या है, आपका घर है, इसके अंदर कौन रहते हैं, आप रहते हैं। ये बी क्या है, आपका घर है, और ए क्या है, आप खुद हो, ठीक है। मैंने बोला आप क्या है, अपने घर के अंदर रहते हो, तो बोलोगे हाँ, तो आपका घर क्या आपके अंदर रहेगा, नहीं। ऑल ए क्या है, बी होगा, हाँ, पर ऑल बी ए होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, मैंने बोला ये आप हो और ये क्या है, आपका घर है, ठीक है। मैंने बोला आप क्या है, अपने घर के अंदर रहते हो, तो आप बोलेंगे हाँ।
अब आपके अंदर आपका घर आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ऑल में क्या रहता है, केवल वन साइड रिलेशन रहता है, ठीक है। ऑल में ऑल ए आर बी सही होगा, पर ऑल बी आर ए होगा क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल में क्या रहेगा, केवल एक ही तरफ से रिलेशन रहेगा, ठीक है। वैसे ही सम नॉट में ये ए है, ये बी है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए क्या है, बी नहीं है। अब मैंने बोला कि ये आप हो, मान लो ये आपका कौन है, नेबर है या पड़ोसी है, ठीक है। ये क्या है, आपका पड़ोसी है, समझ लो। अब मैंने बोला कि आप अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जा सकते हो, आप अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जा सकते हो, तो आपका पड़ोसी आपके यहाँ आ सकता है? हो सकता है आ जाए। आप नहीं जा सकते, ये आपके यहाँ आएगा क्या? जब आप नहीं जा सकते तो ये आपके यहाँ आएगा क्या? हम नहीं बता सकते। हो सकता है आपके यहाँ आ जाए, हो सकता है आपके यहाँ नहीं आए, तो इसे हम कुछ भी नहीं बता सकते। पर इतना ज़रूर है कि आप अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जाओगे, ठीक है। सम नॉट में सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल सही है। सम बी आर नॉट ए बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब चलते हैं, हम ये समझ में आ गया, सम का डायग्राम ऐसे रहेगा, नो का डायग्राम ऐसे रहेगा, ऑल का डायग्राम ऐसे रहेगा, और सम नॉट का डायग्राम ऐसे रहेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब कुछ बातें हैं जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, नो, सम नॉट, ऑल, ठीक है। सम में लिखा हुआ है फ्यू, फ्यू लिखा रहेगा, मतलब आप समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अ फ्यू लिखा रहेगा, वो किसकी बातें कर रहा है, सम की बात कर रहा है। लिस्ट लिखा रहेगा, वो भी सम बोल रहा है। एटलीस्ट लिखा रहेगा तो सम बोल रहा है। और एक से 99% तक के बीच में कहीं पे भी कुछ दिया हुआ है, वो भी सम की बात कर रहा है। मैंने बोल दिया मान लो 75% ऑफ ए इज़ बी, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सम होता है। वैसे ही नो में मैंने बोल दिया 0% ऑफ ए इज़ बी, मतलब एक भी बी क्या है, ए क्या है, बी नहीं है, ठीक है। 0% ऑफ ए इज़ बी बोल दिया, मतलब क्या है, कुछ भी ए क्या है, बी नहीं है। 0% का मतलब क्या समझ में आया, नो, ठीक है। और बोला मैंने ऑल नॉट, मतलब ऑल ए आर नॉट बी, मतलब क्या है, कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। सिंपल ऑल का मतलब होता है ये वाला डायग्राम, ठीक है। और अगर कहीं पे ऑल ए आर नॉट बी दिख गया, ऑल और नॉट एक साथ दिख गया, मतलब ऑल नॉट का मतलब क्या होता है, नो, ठीक है। ऑल नॉट का मतलब क्या होता है, नो, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब सम नॉट को सिर्फ सम नॉट ही बोलते हैं, ठीक है। ऑल को क्या बोल सकते हैं, इच लिखा हुआ रहा, मतलब ऑल की बात हो रही है, ठीक है। एवरी लिखा हुआ रहा, मतलब ऑल की बात हो रही है। और 100% ए इज़ बी, मतलब पूरा ए क्या है, बी है। मोर देन 100%, मतलब कहीं पे 150% लिख दिया मैंने, मतलब 100 से ज़्यादा है, मतलब क्या है, ये ऑल की बात हो रही है, ठीक है। एटमोस्ट कहीं पे लिखा हुआ दिख गया, मतलब ऑल की बात हो रही है। एनी कहीं पे लिखा हुआ दिख गया, मतलब ऑल की बात हो रही है। अब ओनली की बात करूँ, अगर मैं ओनली कहीं पे लिखा हुआ दिख गया, मतलब ऑल की बात हो रही है। पर यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, मैंने लिखा ओनली ए इज़ बी, ओनली का मतलब तो ऑल रहेगा, लेकिन करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ऑल बी आर ए हो जाएगा ये, ठीक है। ओनली लिखा रहे उसका मतलब क्या रहेगा, ऑल, पर करेक्टर क्या रहेंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम अगर हम ऑल करके बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका डायग्राम अगर बनाऊँ तो ये बन जाएगा। और दोनों में कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। दोनों में ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। हमें जब भी ओनली लिखा हुआ आया तो हमें ऐसे कभी भी नहीं बनाना है। ओनली ए आर बी, मतलब ओनली ए इज बी, मतलब ऑल बी आर ए, ठीक है। ओनली का मतलब ऑल होता है और करेक्टर क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन हो सकती है, ठीक है। सिंपल सा 1-2 सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे
उसके बाद कंक्लूज़न दे देगा पहला और दूसरा। अब हम इस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, अपना डायग्राम बना लेंगे सम नो ऑल और सम नॉट का, ठीक है। जो जो स्टेटमेंट बोलेगा हम वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दो कंक्लूज़न दिया हुआ रहेगा, हमें इन कंक्लूज़न से चेक करना है कि ये कंक्लूज़न इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो अब ऑप्शन कैसे आएगा, ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें भी पांच ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लो पहला ऑप्शन क्या है, पहला सही, दूसरा गलत। दूसरा क्या रहेगा, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा क्या रहेगा, आइदर और, ठीक है, आइदर और। चौथा क्या रहेगा, नाइदर नॉर या फिर दोनों गलत, है ना। पांचवा क्या रहेगा, बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों सही है, ठीक है। इतने ऑप्शन रहेंगे, हम आज बिल्कुल भी ऑप्शन से नहीं जाएंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज और कल हम सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और आज हम क्या करेंगे, सम और ऑल, ठीक है, ये दोनों को पढ़ेंगे, इनको ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और कंक्लूज़न में ये सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं, ये आज हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। अब क्या करेंगे, ये जब हो जाएगा हमारा, आज और कल हम बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आइदर और सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी आती है इसमें, फिर नेगेटिव पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। लाइन से हम सीखते जाएंगे, एक एक करके हम एक एक पार्ट को सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी, सम का डायग्राम ऐसे रहता है, ऑल का डायग्राम ऐसे रहता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब हम क्या लिखा है, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, सम ए आर बी लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, ऑल बी आर सी, मतलब सभी बी क्या है, सी है, ये भी समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है आगे, ऑल सी आर डी, मतलब सभी सी क्या है, डी है, ये भी समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, ऑल ई आर डी, अब ऑल डी आर ई नहीं बोला है, ऑल डी आर ई नहीं बोला है, क्या बोल रहा है, ऑल ई आर डी, मतलब डी के अंदर का क्या है, ई है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑल ई आर डी मतलब डी के अंदर ही क्या है, ई है, डी के अंदर ई लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में ई का रिलेशन सी और बी के साथ अभी नहीं बताया है, इसलिए हमने ई को क्या कर दिया, अलग से रख दिया वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, बिल्कुल सिंपल था अभी तो जो स्टेटमेंट में बोला, हमने क्या किया, सिर्फ वैसे ही कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे कंक्लूज़न की तरफ। तो कंक्लूज़न ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा है, पहला कंक्लूज़न, सम ए आर डी, पूछ रहा है क्या कि क्या कुछ ए क्या है, डी है, तो हम चेक करेंगे कि ए और डी में क्या ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो ये रहा ए, ये रहा डी, मैंने देखा सम ए और ये इसके अंदर अंदर करके ऐसा डी मिल रहा है मुझे, मतलब कुछ ए क्या है, डी है, ठीक है। कुछ ए क्या है, डी है, मतलब पहला कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कंक्लूज़न की तरफ। दूसरा कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, कुछ बी क्या है, सी है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे सकती हूँ, ऑल बी आर सी तो दिया हुआ है, पर कुछ बी सी है क्या, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, मान लो ये क्या हो, आप हो, ये क्या है, आपका घर है, ठीक है। मान लो ये आप हो, ये क्या है, आपका घर है। अब मैंने बोला कि आप क्या है, आप अपने घर के अंदर हैं, तो आप बोलेंगे हाँ है, और पूरे हैं, मतलब ऑल वाला तो बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला क्या आपका हाथ आपके घर के अंदर है, तो आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि आप पूरे अंदर हैं, तो आपके शरीर का कुछ हिस्सा भी घर के अंदर है, ठीक है। मतलब क्या है कि सम भी फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा, जब आप अपने घर के अंदर हैं, तो आपके शरीर का कुछ हिस्सा भी क्या है, आपके घर के अंदर है, मतलब आपका हाथ भी है, आपका पैर भी है, मतलब आपका कुछ हिस्सा क्या है, आपके घर के अंदर है, मतलब सम क्या है, आप हो उसमें, ठीक है। क्या हुआ, ये था हमारा डायग्राम, ए ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ पे था हमारा ई। मैंने बोला सम बी आर सी, पर हमें हमारे इससे क्या देख सकते हैं, हमें ये डायग्राम मिल रहा है कि ऑल बी आर सी, मतलब हम क्या हमारे घर के अंदर है, तो हमारे शरीर का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, घर के अंदर होगा, मतलब कहीं पे अगर ऑल दिया है, ऑल बी आर सी दिया है, मतलब सम बी आर सी क्या होगा, फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई, कहीं पे आप देख लिए ऑल बी आर सी मतलब सी, सम बी आर सी बिल्कुल सही है, सम सी आर बी भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
क्या समझ में आया इससे? ऑल लिखा है मतलब सम का भी सही होता है, ठीक है। ऑल ईयर भी मतलब सम ईयर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई तो हम क्या करेंगे, ऑल बी आर सी हमें दिया हुआ था तो सम बी आर सी बिल्कुल सही होगा क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर सही आया था, दूसरा का भी आ गया हमारा सही। सम बी क्या है? सी है। बी का कुछ हिस्सा क्या है? सी के पास है, ठीक है। बी का कुछ हिस्सा क्या है? सी के में है, तो बिल्कुल है ये बी है, इसका कुछ हिस्सा सी के में है, तो है मतलब ये क्या करेगा, बिल्कुल पूरा सही हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे कंक्लूजन की तरफ। तीसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम ई आर बी। अब बी ये रहा, ये डी है, इसके अंदर ही कहीं पे ई है। अब पूछ रहा है कि क्या कुछ ई क्या है बी है, तो बी तो डी है और ई भी डी है, ठीक है। पर बी और ई का रिलेशन पता है क्या? नहीं, ये दोनों तो आपस में दूर दूर हैं, तो इनका हम बता सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। इनका हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो सम बी आर ई होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। सम ई आर बी होगा, बी इधर रहा, ई इधर रहा, तो इन दोनों का कुछ पता है क्या रिलेशन आपस में? नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, नहीं बता सकते, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि बी इधर है और ई इधर है, हम बता सकते हैं ये दोनों ही डी के अंदर है, हम बता सकते हैं क्या बी का ई के साथ रिलेशन है भी कि नहीं? नहीं बता सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है अगला कंक्लूजन में, सम ई आर सी, कुछ ई क्या है? सी है बोल रहा है, तो चेक करते हैं हम क्या ई सी है। अब सी ये रहा, उसके ऊपर इधर डी है और इधर क्या है, ई है, ठीक है। अब वैसे ही बोल रहा है इसको भी कि सम ई आर सी, ई का सी के साथ रिलेशन हमें पता है क्या? नहीं, तो हम कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, सम है कि ऑल है कि नो है कि सम नॉट है, हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें सी और ई के बीच में रिलेशन पता ही नहीं है। सी अलग है, ई अलग है, तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम ई आर डी, ठीक है। अब सम ई आर डी पूछ रहा है, अब ई का डी के साथ पूछ रहा है, तो डी ये रहा और डी के अंदर ही क्या है, ई है। तो अब सम ई आर डी पूछ रहा है, तो ई का कुछ हिस्सा डी में है, तो है ई तो पूरा डी के ही अंदर है, तो जब ऑल ई आर डी है तो सम डी आर ई आर डी होगा क्या? हाँ, जब ऑल ई आर क्या है, डी है, तो सम ई आर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सम ई आर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब क्या पूछ रहा है, सम ई आर डी मतलब ई का कुछ हिस्सा क्या है, डी में है, तो ई तो पूरा ही डी में है, तो कुछ भी तो होगा ही होगा, है ना। जब पूरा ही है तो कुछ तो है ही, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ई का डी के साथ रिश्ता दिया हुआ है, पूरा ई क्या है, डी है, मतलब कुछ डी भी ई होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, पूरा ई क्या है, डी है, मतलब क्या है, कुछ ई भी क्या है, डी है, मतलब पांचवा क्या आ जाएगा हमारा, सही आ जाएगा, ठीक है। अभी इससे क्या पता चला, हमने एक तो डायग्राम बनाना सीख लिया ऐसे स्टेटमेंट से, और दूसरा हमने कंक्लूजन में सम को चेक करना सीख लिया। सम को चेक करने में मुझे क्या क्या पता चला, एक तो डायरेक्ट सम आ सकता है और एक क्या रहता है, ऑल के हिसाब से सम आ जाता है, ठीक है। ऑल रहेगा तो भी सम रहता है, और सम में तो सम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये दो बातें मैंने सीख ली। अब इसी स्टेटमेंट का हम चलते हैं दूसरे अलग से कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। सम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम ऑल पढ़ लेते हैं, ठीक है। यही स्टेटमेंट था, ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और यहाँ पे क्या था, ई था, ठीक है। तो ये रहा कंक्लूजन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर सी। अब पूछ रहा है कि क्या सभी ए क्या हैं, सी हैं, तो मैं क्या देख सकती हूँ स्टेटमेंट में, मेरा क्या है, सम ए आर सी लिखा है, तो सभी ए सी होंगे क्या? नहीं बता सकते, कुछ तो हैं पर सभी हैं क्या, हम नहीं बोल सकते। तो पहला क्या आ गया, गलत आ गया। कुछ तो हैं पर सभी हैं क्या, नहीं पता। मेरा हाथ मेरे घर के अंदर मैंने डाल लिया, अब मैं पूरा अंदर गई हूँ क्या, मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। ये सम ए आर बी लिखा है, तो इसमें क्या हम ऐसे बना सकते हैं कि कुछ ए क्या है, बी है, तो क्या सभी ए बी हो गए, हम नहीं बता सकते। अभी कुछ का तो पता है पर सभी का नहीं पता हमें, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल बी आर डी। अब क्या पूछ रहा है, सभी बी क्या है, डी है, ये तो पहला का था हमारा गलत। सभी बी क्या है, डी है, तो सभी बी डी है, हमें स्टेटमेंट से ही दिख रहा है ये कि सभी बी क्या है, डी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बताई समझ में। अब तीसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऑल सी आर
बी, अभी मुझे पता है कि ऑल बी क्या है, सी है, ठीक है, सभी बी क्या है, सी है, पर सभी सी बी होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पूरा बी क्या है, सी के अंदर है, पर सी बी के अंदर है क्या, नहीं पता हमें, हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑल बी आर क्या है, सी है, ठीक है, सभी बी क्या है, सी है, तो सभी सी ए हो जाए, बी हो जाएगा क्या, नहीं पता हमें, कुछ सी तो बी होगा पर सभी सी बी होगा क्या, हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोल रहा था कि ऑल सी आर बी, ऑल बी आर सी तो है, इस स्टेटमेंट से मैं देख सकती हूँ, क्या देख सकती हूँ कि ऑल बी क्या है, सी है, ठीक है, पूरा बी क्या है, सी है, पर सी का बी के साथ पता है क्या कि पूरा है, नहीं पता, कुछ है ये तो पता है कि कुछ क्या है, सी क्या है, बी है, इतना हिस्सा बी है, उतना ही हिस्सा ये सी है, ठीक है, ये कुछ हिस्सा सी का है, ये पूरा हिस्सा सी है, अब इतने हिस्से में बी आ गया, मतलब ये सी के ही हिस्से में तो बी आया है ना, तो इतना कुछ हिस्सा तो है सी का, पर पूरा है क्या, हमें नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे इसे, ठीक है, इतनी बातें आई समझ में, अभी क्या बोल रहा है, चौथा कंक्लूज़न, ऑल डी आर बी, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल डी आर बी, तो अब हम चेक करते हैं ये ऑल बी क्या है, डी है, पर ऑल डी क्या होगा, बी होगा क्या, नहीं होगा, ये भी वैसे सी डी के जैसे, ठीक है, बी ऑल डी आर बी, ऑल बी आर डी तो है, पूरा बी क्या है, डी है, पर पूरा डी बी है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, पांचवा कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, ऑल बी आर ई बोल रहा है, ठीक है, अब बी का ई के साथ रिलेशन बोल दिया, और बी का तो ई के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं पता, क्योंकि इन लोगों का ये कुछ बताया ही नहीं है, ये बी है, ये डी है, और ये ई दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बी बी ई का रिलेशन हमें पता है क्या, नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, पांचवा भी हमारा गलत हो जाएगा, हम नहीं बता सकते बी ई का क्या रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इतनी बात आई समझ में, ये था एक स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, सम और ऑल को पहचानना हमने सीख लिया, ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये रहा, क्या लिखा है, सम स्टार आर मून, मतलब सम स्टार आर मून कर लिया हमने, फिर क्या बोल रहा है, ऑल मून आर लाइट, मतलब ऑल मून आर लाइट लिख लिया, अब क्या बोल रहा है, ऑल सन आर बल्ब, सन बल्ब पता है क्या, नहीं, तो ऑल लाइट आर बल्ब, मतलब ऑल लाइट आर बल्ब, फिर क्या बोल रहा है, ऑल सन आर बल्ब, मतलब ऑल सन आर बल्ब, ठीक है, ये सन है, ये क्या है, स्टार है, ठीक है, इतनी बातें हमें पता चल गई स्टेटमेंट से, अब क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं हम, कंक्लूज़न ये रहा, क्या बोल रहा है, पहला 50% बल्ब आर लाइट, 50% मतलब क्या हुआ, सम हुआ, ठीक है, 1 से 99% तक का क्या रहता है, सम रहता है, तो पूछ रहा है कि सम बल्ब आर लाइट, ये पूछ रहा है मुझे कि कुछ बल्ब क्या है, लाइट है, तो लाइट ये रहा, बल्ब ये रहा, तो कुछ बल्ब क्या है, लाइट है, इतना हिस्सा बल्ब ही है, उसी में तो लाइट आया, मतलब सम बल्ब आर लाइट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कंक्लूज़न, क्या बोल रहा है, ऑल मैन आर, ऑल मून आर सम, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल मून आर सन, अब पूछ रहा है कि क्या सभी मून क्या है, सन है, तो हम नहीं बता सकते, मून ये रहा, सन ये रहा, इन दोनों का आपस में कुछ रिश्ता दिया है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं बता सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मून का सन के साथ कोई रिलेशन नहीं पता, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अब चलते हैं हम हमारे तीसरे कंक्लूज़न, क्या लिखा हुआ है, ओनली बल्ब इज सन, अब ओनली का मतलब क्या हो जाता है, ऑल, और बल्ब इज सन क्या हो जाएगा, सन इज, सन आर बल्ब हो जाएगा, ठीक है, क्यों हुआ, मैंने बताया था ओनली की जगह पे हम ऑल लिखते हैं और करेक्टर क्या हो जाते हैं, इंटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बल्ब की जगह पे सन आ गया, सन की जगह पे बल्ब आ गया, ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि ऑल सन आर बल्ब, तो सन ये रहा, बल्ब ये रहा, सन और बल्ब में मुझे सम का रिलेशन दिख रहा है, ऑल है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा कंक्लूज़न आपके लिए होमवर्क है, आप इसे बनाइएगा, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अब सेशन को एंड करते हैं, आज हमने क्या सीखा, सम का सीख लिया और ऑल का सीख लिया, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कल नो को और सम नोट को बनाना सीखेंगे, ठीक है, नो और सम नोट को बनाना सीखेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन समझ आया होगा, अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, सेशन को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।